एवरी वन वेलकम टू लर्न वी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवेंथ मैथ्स की बुक का चैप्टर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो ये मैथ्स नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे ठीक है मैथ्स मैथ्स की आपका जो देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज तो हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है और प्रॉपर्टीज का यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ के बारे में इससे पहले के वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है है ना कई सारी प्रॉपर्टी होती है देखते हैं तो ए पार्ट में हम लोगों को बोला गया है कि ट्वेंटी इनका प्रोडक्ट बताना है प्रोडक्ट का मतलब होता है इनका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को बताना है तो वो कैसे बताएंगे तो इसमें देखिए हमें बोला गया है यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ तो 26 सिक्स इंटू माइनस का 48 तो 26 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी हुई है माइनस फोर्टी से तो 26 जो है इंटू माइनस फोर्टी का रखा है और माइनस फोर्टी एट इंटू माइनस थर्टी सिक्स अब जरा आप लोग यहाँ पे देखो कि ये यह 48 एट यहाँ पर भी माइनस फोर्टी एट है और यहाँ पे भी माइनस फोर्टी एट है तो दोनों जगह है तो इसका मतलब है सेम चीज़ कॉमन है है ना माइनस फोर्टी एट दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है और जब सेम है तो कॉमन जो चीज़ होती है ना उसको हम एक साथ बाहर लिख देते हैं अब जरा यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये भी है देखो कि ये यह देखो यहाँ पे बीच में प्लस है और ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई में हैं और ये वाले दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो जो माइनस फोर्टी एट है ऐसे करके बाहर ले लोगे उस फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओगे फिर ट्वेंटी सिक्स ठीक है और ये प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और ये क्या है माइनस का थर्टी सिक्स ठीक है माइनस फोर्टी एट ये हो गया इंटू ट्वेंटी सिक्स प्लस माइनस क्या होता है माइनस साइन कन्वेंशनस भी हम लोग पहले देख चुके हैं ट्वेंटी सिक्स और थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस का है थर्टी सिक्स माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा अब टेन तो आएगा आंसर बट टेन कौन सा आएगा माइनस का क्यों क्योंकि थर्टी सिक्स बड़ा है ट्वेंटी सिक्स से तो माइनस अब बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 48 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 480 तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना जैसे ये है अब देखो ये वाला ए वाला क्वेश्चन और ई e वाला क्वेश्चन ए और ई एग्जैक्टली सेम है देखो इसमें भी क्या है इसमें थोड़ा सा बस एग्जैक्टली exactly तो नहीं कह सकते क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है इसमें डिफरेंस क्या है कि ये देखो इसमें माइनस का सिक्स सिक्स ट्वेंटी फाइव है और इसमें सिक्स ट्वेंटी फाइव है तो बस इतना सा है बाकी करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा बिल्कुल इसी तरीके से ई वाला पार्ट भी होगा कैसे देखो ये दोनों सेम थे तो हमने इसको कॉमन ले लिया माइनस फोर्टी एट को फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया फिर उसके बाद ये और ये साथ में रख दिए जो भी इनके साइंस थे और बीच में प्लस था ना तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस आ गया बाहर मल्टीप्लाई क्यों लगा क्योंकि फोर्टी एट इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और फोर्टी एट इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, और फोर्टी एट इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये और ये इन दोनों के बीच में प्लस लगा दिया तो बस सोल्यूशन हो गया है ना ये देखो जैसे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है तो देखो कैसे किया है यहाँ पर देखो इन्होंने आ, ये इसको नीचे रख देते हैं इसको नीचे रख देते हैं और इसको भी नीचे रख देते हैं हुँ? तो देखो बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है कि 48 की मल्टीप्लाई मतलब करके तो दिखाई दिया मैंने माइनस फोर्टी और 26 और माइनस ये 26 से 36 माइनस होगा तो हमारा आंसर 480 आ जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है ये है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये ये है एट इंटू फिफ्टी थ्री इंटू वन ट्वेंटी फ़ाइव तो इसको किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं ये देखो कैसे होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसमें लगेगी कैसे अब हमें ये चीज़ देखनी होती है आपको ना ये चीज़ बिल्कुल याद कर लो कि जब भी आपको एट इंटू ट्वेंटी फाइव मिले या फिर एट इंटू वन या फिर आप पहले धीरे धीरे करके मैं आपको बताती जाऊंगी कि एट और ट्वेंटी फाइव जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में मिले ना तो इसका मतलब होता है वन थाउजेंड ये चीज़ याद कर लो तो यहाँ पे देखो ये एट था ये फिफ्टी थ्री था ये माइनस का वन ट्वेंटी फाइव था अब आपको बिल्कुल याद है कि एट की मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फाइव से जब होती है तो वो क्या बन जाता है एट की मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फाइव से होती है तो वो वन थाउजेंड बन जाता है और वन थाउजेंड से तो किसी को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है तो फिफ्टी थ्री इंटू वन थाउजेंड क्या हो गया माइनस का फाइव थ्री वन टू थ्री ये हमारा आंसर आ गया और कौन सी प्रॉपर्टी लगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारी लगी है तो हम लोगों ने क्या किया है सिंपल सा हमने ये देखो इसमें ये होता है ना कि एट की मल्टीप्लाई हम फिफ्टी थ्री से करते तो हमारी मल्टीप्लिकेशन मुश्किल होती है बट एट की मल्टीप्लाई हमने वन ट्वेंटी फाइव से करी ये चीज़ याद कर लो क्योंकि आगे बहुत कम आएगी फिर ये थाउजेंड हो गया थाउजेंड की मल्टीप्लाई फिफ्टी थ्री से कर दी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये ये हमारा क्वेश्चन है अब देखो इसमें कुछ आपको कुछ जाना पहचाना या कुछ कॉमन टाइप का लग रहा है कि देखो फिफ्टीन है ये ट्वेंटी फाइव है ये फोर है और ये टेन है यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ लगेगी इसमें रीग्रुप करना पड़ेगा जब भी ट्वेंटी फ़ाइव और फोर हो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर क्या होता है हंड्रेड जैसे वन ट्वेंटी फाइव इंटू एट क्या होता है वन थाउजेंट इसी तरीके से ट्वेंटी फाइव और फोर आपको मल्टीप्लाई में दिखे तो उनको साथ रखो और हंड्रेड बना दो जैसे हमने वन ट्वेंटी फाइव इंटू एट को किया था तो इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ का इस्तेमाल होगा है ना बिल्कुल सेम चीज़ क्या है यहाँ पे हमने इसमें क्या करना है कि ट्वेंटी फाइव और फोर को साथ में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है ट्वेंटी फाइव और फोर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे हंड्रेड हो जाएगा माइनस माइनस क्या है प्लस हो गया माइनस फोर इंटू माइनस टेन ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा अच्छा और ये तो हमने रिग्रुप कर दिया ना ये फिफ्टीन और माइनस टेन फिफ्टीन और माइनस टेन हो गया माइनस का वन फिफ्टी माइनस का वन फिफ्टी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फिफ्टीन थाउजेंड आंसर आ जाएगा आ गया समझ नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसको रुको ये ठीक है तो इसमें क्या करना है कि 41 और 102 को मल्टीप्लाई करना है वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं है ना बट हम लोगों को क्या निकालनी है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लगानी है तो कैसे करेंगे 102 को आप और इजीली कैसे लिख सकते हैं 102 को आप क्या लिख सकते हैं वन को हम हंड्रेड प्लस लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना वन को हम हंड्रेड प्लस भी तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो हमने 102 को क्या लिखा है 102 को हम लोगों ने 100 प्लस टू लिख दिया अब हमने 100 प्लस टू लिख दिया 102 को देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ 41 वन हमारा क्वेश्चन है कि 41 वन इंटू वन हंड्रेड टू है इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू तो फोर्टी वन तो ऐसे ही रहेगा हंड्रेड वन हंड्रेड टू को आप क्या लिखोगे हंड्रेड प्लस टू लिख दोगे अब क्या करोगे फोर्टी वन की मल्टीप्लाई पहले हंड्रेड से करोगे फोर्टी वन की मल्टीप्लाई हंड्रेड से करोगे तो क्या हो जाएगा है ना सिंपल दो जीरो लग जाएंगे और फोर्टी वन की मल्टीप्लाई टू से करोगे फोर्टी वन की मल्टीप्लाई टू तो आप ईजी है ना इतना तो कर सकते हैं इजीली तो वन टू वन जा टू और फोर टू जॉ एट और आप लोग इसको प्लस करेंगे तो फोर वन एट टू हमारे पास आंसर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर फोर वन एट टू हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हमने क्या किया फोर्टी वन और की मल्टीप्लाई किससे करी है फोर्टी वन की मल्टीप्लाई करी है वन हंड्रेड टू से वन हंड्रेड टू को आपने ब्रेक कर दिया तो हंड्रेड प्लस टू हो गया फोर्टी वन की मल्टीप्लाई आपने हंड्रेड से करी तो फोर वन डबल ज़ीरो आ गया और फोर्टी वन की मल्टीप्लाई टू से करी तो एटी टू तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया ठीक है ये देखो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है आ क्या समझ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा करके हम लोगों का आंसर आ जाएगा अच्छा एक चीज़ फोटी वन जो है वो माइनस में था माइनस में था तो ये भी माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद ये वाला एक सेकेंड बच्चों थोड़ी सी इसमें ना ये होगी मैंने माइनस का साइन हटा दिया तो यहाँ पर हम लोग ये भी माइनस में ये भी माइनस में माइनस हो जाएगा ठीक है और आंसर में भी माइनस आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका माइनस फोर वन एट टू आंसर हो जाएगा अब इसका तो कैसे हुआ क्योंकि फोर्टी वन माइनस में था तो माइनस के फोर्टी वन की मल्टीप्लाई हंड्रेड से हुई और माइनस वन माइनस के फोर्टी वन की मल्टीप्लाई टू से हुई है तो इसलिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ई पार्ट ई पार्ट का हमारा क्वेश्चन ये है ठीक है अब ई e पार्ट मैंने आपको बताया था ना ऑलमोस्ट सेम है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे देखो इस ये 162 है ये भी 162 है माइनस का साइन है ना देखो मल्टीप्लाई ऐसा होता है जैसे कि थ्री माइनस थ्री इंटू टू है तो हम ये जो माइनस है ना इस टू के आगे भी लगा सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी आंसर क्या आएगा माइनस सिक्स ही आएगा ये चीज़ आप लोग याद रखो तो इसी तरीके से क्या किया है इस क्वेश्चन में ये जो माइनस का वन था ना माइनस का जो वन था इसका माइनस ना किसको दे दिया वन एस का वन सिक्सटी फाइव था इसका माइनस इसको दे दिया हमने सिक्सटी फाइव को और फिर बाहर क्या लिया वन सिक्स ट्वेंटी फाइव कॉमन वन सिक्सटी फाइव खोला सॉरी सिक्स ट्वेंटी फाइव कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया अंदर 30, 35, बचा थर्टी माइनस का थर्टी फाइव और माइनस का सिक्सटी फाइव बचा माइनस का थर्टी फाइव और माइनस का सिक्सटी फाइव दोनों के दोनों माइनस है तो हमारे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस का आएगा ये क्या हो गया हंड्रेड हंड्रेड हो गया सिंपल सा तो सिक्स ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी माइनस के हंड्रेड से साइन कन्वेंशन आता है ना बच्चों साइन कन्वेंशन पढ़ा रखा है मैंने सारा मैं ठीक है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी इसके आगे और बाकी सारे जो वीडियोज़ हैं तो आ, हम लोगों ने क्या क्या किया ये देखो हम लोगों ने इसमें सिंपल सा कॉमन ले लिया पहले तो सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव को यहाँ पे देखो ज़रा अब ये यहाँ पे ठीक है सिक्स ट्वेंटी फाइव को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया फिर अंदर क्या बचा माइनस थर्टी फाइव बचा और इधर क्या बचा ये माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये भी माइनस का सिक्सटी फाइव माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस प्लस हो जाएंगे बट साइन तो माइनस का ही आता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन नहीं आती बच्चों तो मैंने वीडियो बना रखा है वो आप देख सकते हैं ठीक है ये माइनस सिक्स टू फाइव डबल ज़ीरो आंसर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये लगी है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें ठीक है तो इसमें हम लोगों को यहाँ पे देखो इसका यहाँ से देख लेते हैं एफ वाला जो पार्ट है इसमें हमें ये है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा सेवन इंटू फाइव फिफ्टी माइनस टू तो हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे कि हमें देखना है सेवन इंटू फिफ्टी माइनस टू हमारा एफ वाले पार्ट है सेवन इंटू फिफ्टी माइनस टू ठीक है तो हम क्या करेंगे कि सिंपल से फिफ्टी से माइनस कर देंगे तो अगर हमारे पास सेवन इंटू सेवन इंटू फिफ्टी माइनस टू है तो हम क्या करेंगे सेवन इंटू फोर्टी एट कर देंगे सिंपल सा फोर्टी एट इन टू सेवन 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 जो फोर्टी नाइन सेवन एट फिफ्टी सिक्स सेवन फोर जो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी थर्टी थ्री तो थ्री थ्री सिक्स क्या आ जाएगा आंसर थ्री थ्री सिक्स हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा तो आप ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये सब हटा भी सकते हैं अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं अच्छी लग रही ना तो इसको हटा दो क्योंकि एक ही तरीके से बच्चों हमेशा हमें चीज़ सीखनी दो चाहिए दो तरीके से सीखते हैं ना तो सिर्फ हम सिर्फ कन्फ्यूज़ ही होते हैं ठीक है तो हम लोगों ने ये देख लिया कि सेवन इंटू फिफ्टी माइनस टू था तो फिफ्टी माइनस टू की जगह आपने फोर्टी एट कर दिया सेवन की मल्टीप्लाई फोर्टी एट से करेंगे तो थ्री थर्टी सिक्स आंसर आएगा और क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हमारा आंसर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट जी पार्ट में हम लोगों को देखो ये बोला गया है ठीक है यहाँ पे देखो इसमें जी पार्ट में सेवनटीन इंटू 29 अब 29 को इजी और क्या हो ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करना 17 को टफ है तो 29 को आप थर्टी माइनस वन लिख सकते हैं है ना 30 माइनस वन आप 29 को लिख सकते हैं और बाहर 17 है फिर 17 की मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे तो 17 माइनस का है ठीक है सेवन माइनस सेवेंटीन इंटू थर्टी और ये माइनस है ये भी माइनस है तो बैकेट के बाहर माइनस होगा और बैकेट के अंदर भी माइनस होगा अगर तो वो प्लस हो जाएगा तो प्लस का सेवनटीन ये बन जाता है ठीक है ऐसे करके देखो सेवेंटीन इंटू थर्टी क्या होता है सेवनटीन इंटू थ्री कर लो सिंपल सा सेवन थ्री से ट्वेंटी वन थ्री जो थ्री फोर फाइव फिफ्टी वन माइनस का साइन लगा दो और ये जीरो माइनस फाइव हंड्रेड टेन प्लस सेवनटीन माइनस फाइव हंड्रेड टेन प्लस सेवेंटीन क्या हो जाएगा माइनस का फोर नाइन्टी थ्री तो माइनस फोर नाइन्टी थ्री ये आ जाएगा तो माइनस सेवेंटीन इंटू माइनस ट्वेंटी नाइन इसमें क्या होता है माइनस सेवेंटीन इंटू माइनस ट्वेंटी नाइन है यहाँ पर तो ट्वेंटी नाइन को आपने थर्टी माइनस ऐसे करके लिख लो ये यह देखो यहाँ पे ये यह वाला ये देख लो ठीक है माइनस uh, सेवनटीन को आपने यहाँ पे ट्वेंटी नाइन को थर्टी माइनस वन लिख दिया फिर थर्टी माइनस वन सेवनटीन की मल्टीप्लाई थर्टी से कर दी और इस तरीके से माइनस सेवनटीन की मल्टीप्लाई भी आपने माइनस वन से कर दी तो ये तो सेवनटीन हो जाएगा सेवनटीन इंटू थर्टी था तो सिर्फ थ्री से मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो लगा दो तो ऐसे ही तो करते हैं आंसर आ गया फोर नाइन्टी थ्री ठीक है फोर नाइन्टी थ्री आंसर आ गया प्रॉपर्टी कौन सी लगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगी है अब लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं लास्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है तो सिंपल सा है इसमें भी हम्म देखो ये हम लोगों का क्वेश्चन था इसमें भी बिल्कुल वही करना है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये देखो ये माइनस फिफ्टी सेवन है यहाँ पर और ये अकेला फिफ्टी सेवन है जब अकेला होता है तो इसके साथ हमेशा वन तो मल्टीप्लाई में होता ही है तो आप वन मान के इसको चल लो ये क्या है ये है माइनस फिफ्टी सेवन इंटू माइनस नाइनटीन प्लस फिफ्टी सेवन ठीक है ये क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन है तो आप क्या करो यहाँ पे मान मान लो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वन भी है तो फिफ्टी सेवन को आप लोग ले लो कॉमन ठीक है अंदर क्या बचा माइनस का वन बचा इधर क्या बचा इधर बचा माइनस का नाइनटीन अब ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो ये वन था तो यहाँ पे लगा दो वन ठीक है आ गया समझ फिफ्टी सेवन कॉमन ले लिया ये और ये आपने बाहर ले लिया तो अंदर ये ये क्या बचा ये नाइनटीन बचा और इधर वन बचा तो फिफ्टी सेवन माइनस वन इंटू माइनस नाइनटीन क्या हो जाएगा माइनस वन ये मल्टीप्लाई होता है ये हो जाएगा नाइनटीन माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का वन तो फिफ्टी सेवन इंटू ट्वेंटी तो आप फिफ्टी सेवन को टू से मल्टीप्लाई कर लो सेवन टू जो फोर्टीन फाइव टू जो टेन अलेवन और ज़ीरो ठीक है तो हमारे पास आंसर आ गया वन वन फोर जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा वन वन फोर ज़ीरो तो ये हमारा कौन सा पार्ट था एच पार्ट तो एच पार्ट भी हमारा यहाँ पे हो गया ये हमारा क्वेश्चन था फिर मैं क्योंकि फिफ्टी सेवन अलग से था तो हमने वन से मल्टीप्लाई करा थी फिफ्टी सेवन की वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही रहेगा कुछ अलग तोड़ना होना है तो 57 कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा 57 की जगह माइनस वन लिखोगे ना लिखते हैं ठीक है तो 50 यहाँ पे 19 बचा और यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे उससे वन बचा 19 को आप वन से ऐड करोगे तो 57 सेवन इंटू तो वन हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा ठीक है ये वाला छोड़ो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिए ये आप लोगों को यहाँ से होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब हमारी पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं अब एक्सरसाइज वन और इससे पहले की एक्सरसाइज भी कम्प्लीट है एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर अब हम आगे देख लेंगे और आगे के काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं सेकेंड चैप्टर कवर्ड है थर्ड कवर्ड है फोर्थ काफ़ी सारे कवर है लास्ट के कुछ बचे हुए हैं और साइंस तो सेवन्थ क्लास की पूरी कवर है ही ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रखे हैं तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू